दोस्तों जय हिंद जय भारत। मैं दीपक, कृषि बाजार भाव यूट्यूब चैनल पर आपका अभिनंदन है। आज का कृषि बाजार नीमच मंडी का सभी जिन्सों का देख लेते हैं कैसे रहा है। लहसुन में जोरदार तेजी देखने को मिली, ऊटी लहसुन 8400 ऊपर में बिकी। बाकी तेजी जो है वो देशी लहसुन में है जोरदार वाली, और देशी में अच्छी तेजी है जिसका वीडियो सुबह भी दिया था। हवा बड़ी जोरदार चल रही है, ये देख सकते हैं आप। और इसके अलावा बात करें सभी जिन्सों की तेजी मंदी, आवके बड़ी सीमित थी। होली का त्यौहार खत्म होने के बाद आवके बहुत कम थी आज मंडी में, इसलिए आप तक जल्दी भाव की सुविधा उपलब्ध करा दी, क्योंकि भाव आज जल्दी जल्दी मिल गए, आवके सीमित थी। सभी जिन्सों की वास्तविक तेजी मंदी देखते हैं, किसमें कितनी तेजी और किसमें कितनी मंदी रही है। सीधे मंडी से मेहनत करके वास्तविक अपनी मेहनत से निर्मित और एक्चुअल रिपोर्ट जो मंडी में रोजाना की तेजी मंदी मिलती है, हर चीज़ की आपको वास्तविक रिपोर्ट ही देते हैं। और इसबगोल में बाजार तेज देखने को मिला, कलौंजी 12700 बिकी आवक नहीं होने से। इसबगोल में भी बाजार तेज देखने को मिला और 10451 तक ऊपर में बिका है। पूरी रिपोर्ट वास्तविकता के साथ स्टार्ट करते हैं, क्या तेजी मंदी देखने को मिली है और इसके अलावा बात करते हैं कि क्या तेजी मंदी रही है वास्तविक रिपोर्ट। वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें और वीडियो पसंद ना आए तो डिसलाइक अवश्य करें। आपका हर एक लाइक हमारे कार्य का प्रतिफल रहेगा, तो वीडियो पसंद आने पर लाइक जरूर करें। पूरी रिपोर्ट स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज के नीमच मंडी के लहसुन के बाजार की बात करें, 8400 रुपये ऊपर में ऊटी लहसुन बिका है एक्स्ट्रा सूखा माल। मोटा माल जो है वो 6500 से 7500 के बीच में बिक रहे हैं। एवरेज मोटे माल जो है वो 6000 से 6500 रुपये के बीच में बिक रहे हैं। फुल वाले और मीडियम मिक्स वाले 5300 से 6000 रुपये के बीच में बिक रहे हैं। वो लड्डू मीडियम मिक्स वाले माल 4000 से 4500 रुपये प्रति क्विंटल के भाव पर बिक रहे हैं। मीडियम बारीक माल 3200 से 3800 रुपये प्रति क्विंटल बिक रहा है। दोस्तों इस बारीक माल में कोई विशेष तेजी नहीं, बाकी 7500 बोरी एक्स्ट्रा मालों में 300 तेज, सूखे टाप बढ़िया क्वालिटी मालों में, कुछ मालों में ज़्यादा भी है मगर आप 300 ही मान लीजिए। दोस्तों ऊपर में देशी लहसुन 5600 रुपये तक आया है। मोटे बम क्वालिटी वाले माल 5100 रुपये से लगाकर 5500 रुपये काफ़ी ढेर बिके आज, 5000 से 5500 रुपये के बीच में। फुल गोले टाइप माल 4700 से 4100 रुपये और लड्डू माल जो है 4000 से 4600 रुपये के बीच में। आवक लगभग 7500 बोरी, बाजार 300 से 500 तेज। जो लड्डू वाला टाइप माला माल है इसमें बाजार लगभग 5500 रुपये तेज है। फुल गोला टाइप वाला माल इसमें 300 से 500 तेज है और मोटे मालों में लगभग 3-3 रुपये 2-2 रुपये तेज है। तो कुल मिलाकर ओवरऑल देशी लहसुन में लेवाली जोरदार रही, रॉकेट तेजी कह सकते हैं आज के लिए। लहसुन में माल भी अब धीरे धीरे सूखे भी आने लग रहे हैं। छोटी क्वालिटी की बात करें देशी लहसुन में, लड्डू टाइप वाले माल जो है एवरेज लड्डू वाले 3800 रुपये से लगाकर 4200 रुपये तक बिक रहे हैं। तो मीडियम ठोस पक्की एक नंबर माल जिसमें कुछ लड्डू मिक्स 3200 से 3400, मीडियम माल 2800 से 3200 रुपये, बारीक माल 2100 से 2600 रुपये। लगभग मीडियम 28 से 30 29 बिक्री काफ़ी ढेर, 7500 बोरी आवक, बाजार 300 से 500 तेज, लेवाली अच्छी जोरदार और एक नंबर लेवाली देखने को मिली। तो बाज़ारों में कुछ सुधार देखने को मिला है आज देशी लहसुनों के अंतर्गत। कलौंजी की बात करें दोस्तों, कलौंजी 12700 रुपये ऊपर में बिकी है। बढ़िया टॉप क्वालिटी वाला माल 12400 से 12600 के बाजार है। एवरेज बेस्ट वाला माल 12000 से 12400 के बाजार है। एवरेज क्वालिटी 11000 से 11700 के बाजार है। चालू माल नीचे में 9500 से 10500, जैसी क्वालिटी वैसा धाव, इससे नीचे भी और बिके थे, 2-3 लोड बहुत हल्के थे। बाकी 125 बोरी आवक थी, बाजार 100-200 रुपये तेज रहा, लेवाली जोरदार अच्छी देखने को मिली। आवके सीमित थी, बाजारों में अच्छी लेवाली और बाजार में तेजी रही। इसबगोल की बात करें ऊपर में 10451 रुपये एक ढेर बिका पैकेट माल, एक्स्ट्रा बढ़िया पैकेट माल 10000 से 10200 और एक्स्ट्रा पैकेट माल कुछ लॉट 300 रुपये से आसपास में बिके 10300 के। सेमी पैकेट 98000 से 10000, एवरेज फॉरेन क्वालिटी 95000 से 98000, लगभग 96 से 97-98 बिक रहा है। चालू माल 9000 से 9400, बाजार 100 रुपये तेज, लेवाली जोरदार और लेवाली कुछ भी अच्छी है, रेंज लगभग वैसा है मगर लेवाली जोरदार है, 500 बोरी की आवक है। धनिया ऊपर में 5500 बिका, एकदम टॉप कलर ग्रीन वाले माल की आवक नहीं थी जो 5052 वाली रेंज की। बाकी जो सूखा टाइप का माल है अच्छा ग्रीन ईगल माल, ये 4600 से 5000 बिका है, ये लेट की इस माले माल की तो आवक थी। और जो 15 से 20% के बीच का गीला है वो 4000 से लगभग 4400 रुपये बिका, और 20 से 30% वाला ग्रीन माल जो है 3700 से 4100 रुपये तक बिका। 20 से 30% बादामी माल 3300 से 3700, लगभग मंडी 3500 रुपये से लगाकर 4200 रुपये तक बिकी है। और कुछ एक्स्ट्रा माल है जो 4400 और सूखे माल है 4600 से 5000 के बीच बिके, लगभग 70% मंडी 33-34 रुपये से लगाकर 4200 रुपये तक बिकी है। 3000 बोरी आवक है, बाजार आज समान ही है, कोई विशेष तेजी मंदी नहीं। लास्ट मंडी काफ़ी मद्दा था, आज बाजार समान है, कोई विशेष घट बढ़ कुछ भी नहीं, न तेज कह सकते ना मद्दा कह सकते, बाजार समान कह सकते हैं। नया मेथा बिका दोस्तों 5300 रुपये ऊपर में, एवरेज माल 3700 से 3800, बढ़िया पीले माल 3900 से 4000 और मोटे मेथे माल 4100 से 4200, पुराने मेथे स्पेशल 4300
3700 से 4800, पुराना बढ़िया माल 3700 से 3850 रुपये, और पुराने हल्के माल 3300 से 3500, और नई मेथी जो 4000 से 5300 रुपये तक बिक रही है, नई मेथी 500 बोरी कुल मात्र आवक थी, बाजार समान रहा, नया मेथा 5300 बिका। तो अब लगभग कोशिश करेंगे नए के भाव अलग दिए जाए आपको। गेहूँ ऊपर में एक लोट 2174 रुपये बिका, बढ़िया माल जो है 1950 से 2050 रुपये तक, एक्स्ट्रा माल की आवक नहीं, वो 2070-80 तक कुछ लोट है बाकी, और एक्स्ट्रा माल की आवक नहीं। एवरेज माल 1780 से 1850 रुपये तक बिक रहा है, चालू किस्म का माल 1730 से 1760 रुपये तक बिक रहा है, मिल बेस्ट क्वालिटी वाला माल 1700 से 1725 बिक रहा है। दोस्तों सारे भाव नए के हैं, और नए कुछ गिले टाइप माल 1500 से 1600, 6500 बोरी आवक रही, बाजार मिल क्वालिटी में 30 रुपये नरम रहा, चालू और एवरेज मालों में 10-20 रुपये नरम रहा, बाकी बढ़िया में समान रहा। तो ये थे आज के गेहूँ के बाजार में, गिरावट लगातार जारी है। मसूर ऊपर में 4150 रुपये एक लोड बिका, बढ़िया माल जो है मसूर का 4050 रुपये से लगाकर 4125 रुपये तक बिक रहा है। एवरेज किस्म का मसूर नीचे में 3963 बिका, इससे नीचे कुछ भी नहीं था आज, और 3963 से 4050, बाजार 50-75 नरम रहा, 300 बोरी आवक रही। वास्तविक रिपोर्ट, पक्की रिपोर्ट देखने के लिए आप हमारे साथ रोजाना जुड़ सकते हैं, सिर्फ वास्तविक रिपोर्ट देखने के लिए। ऊपर में डॉलर चना 4800 रुपये 4800 रुपये प्रति क्विंटल बिका, बढ़िया माल 4600 रुपये से लगाकर 4800 रुपये प्रति क्विंटल के बाजार है। एवरेज माल 4000 से 4400 रुपए, चालू डंकी शंकी 3500 से 3800, 50 बोरी आवक, बाजार समान, मगर लेवाली में ऐसा कोई दम नहीं है, अब नए चने का इंतजार है, नए चने से ही बाजार देखते हैं कैसा रहता है, क्योंकि पुराने चनों में तो अब सीमित आवक आ रही है, और पुराने में इतना दम भी नहीं दिखता है, नया सीजन स्टार्ट होने वाला है। सोयाबीन में आज तेजी देखने को मिली, ऊपर में 3731 बिकी, बढ़िया टॉप क्वालिटी माल 3650 से 3700 के बाजार है, एक आध दो लोट थे अच्छे जो 3720 तक बिके, दो तीन लोट थे कुल 3731 बिका। एवरेज माल 3500 से 3600, चालू माल 3250 से 3350, हल्का माल 2700 से 3000, बाजार बढ़िया मालूम 50 तेज, बाकी सामान 600 बोरी आवक, बढ़िया टॉप वाली माल में 50 रुपये तेज रहा। मक्का ऊपर में 1551 बिकी, बढ़िया मक्का 1500 से 1550 के बाजार है, आवक बहुत सीमित थी आज तो, और एवरेज मक्का 1400 से 1450 के बाजार है, चालू माल डंकी शंकी 1250 से 1300, 50 बोरी आवक रही, बाजार बढ़िया मालूम 50 तेज कह सकते हैं, वैसे वास्तविक तेजी नहीं कह सकते क्योंकि आवक बिल्कुल नहीं थी, आवक होने पर ही तेजी मंदी की वास्तविक रिपोर्ट पता चल सकती है। आज तो कुल मिलाकर आवक बड़ी सीमित मात्रा में थी, जो की बात करें लगातार मध्य वाड़ा जारी है, 2300 रुपये वाला जो आज 1575 रुपये ऊपर में रह गया, बढ़िया माल 1500 से 1530, एक नंबर सूखे माल, और एवरेज माल 1460 रुपये से लगाकर 1500 रुपये, और गीले माल 1400 से 1450, लगभग 1400 से 1500 के बीच में मंडी बिक रही है, 2000 बोरी आवक रही, बाजार 100 रुपये नरम रहा। तो रोजाना 50-100 की मध्य जारी है। मूंगफली की बात करें ऊपर में 5657 5657 रुपये बिकी, बढ़िया माल वही 5000 से लगभग 5400 रुपये, एवरेज माल 4200 से 4600, चालू डंकी चालू मिट्टी लगे माल 3500 से 3900, बिल्कुल हल्के मिट्टी वाले माल 2500 से 3000, आवक लगभग 2000 बोरी, बाजार समान है, कोई विशेष तेजी मंदी नहीं, कुछ लटक टाइप कह सकते हैं, मगर इतनी बड़ी कोई गिरावट जैसी खबर नहीं है। एक्स्ट्रा माल भी नहीं थे, आवक सीमित थी, अच्छी क्वालिटी का माल भी कम था मूंगफली में। अश्वगंधा असगन जिसे अपन कहते हैं 25499 रुपये ऊपर में बिका, बढ़िया माल 24000 से लगभग 26000 के बाजार है, मीडियम किस्म का माल 19500 से 23000 का बाजार है, एवरेज माल 14000 से 18500 का बाजार है, चालू माल 9000 से 12500 तक बिक रहा है, 300 बोरी आवक रही, बाजार लगभग समान रहा, कोई विशेष तेजी मंदी नहीं रही। दोस्तों पोस्ता की बात करें ऊपर में 92000 रुपये बिका, दोस्तों बढ़िया मालों की आवक नहीं है, टीनोपाल की रंगत 95000 से 1,00,000, सेमी टीनोपाल 90000 से 95000, इन मालों की आवक नहीं, बढ़िया गुलाब माल 85000 से 88000 रुपये, एवरेज माल 70000 से 78000 रुपये, चालू माल 55000 से 65000, इसकी भी आवक नहीं थी, लगभग मंडी 80 से 88000 के बीच में बिकी, बाजार 1000-2000 तेज, बढ़िया मालों में, गुलाब मालों में और इनमें, बाकी रनिंग मालों में तेज, बाकी बढ़िया मालों की आवक नहीं थी टीनोपाल मालों की, फिर भी बाजार में तेजी है। अजवाइन के दोस्तों दो तीन ढेर थे, एक ढेर 7651 बिका, एक 7551 बिका, और देशी माल 72 से 7500 रुपये, पोरी वाला माल था जो 7651 बिका, 72 से 7551, बाकी कोई आवक नहीं थी, 30 बोरी आवक, बाजार समान, एक ढेर 7551 बिका और एक ढेर 7651, एक ढेर 6000 बिका, तो 25-30 बोरी आवक थी, बाजार समान ही रहा है। के बाजार की बात करें तो लगभग बाजार समान है, ऊपर में विशाल चना एक ढेर 3700 बिका और कांटे का एक ढेर 3650, नया चना 3200 रुपये से लगाकर 3650 तक बिका, नए की आवक रही 300 बोरी की, पुराना चना विशाल 3600 से 3650 और कांटा चना 3600 से 3625, एवरेज माल 3500 से 3600 और
चालू माल 3200 से 3400 रुपये तक के हैं। लगभग 150 बोरी पुराने में आवक रही, बाजार लगभग पुराने में समान रहा, कोई विशेष तेजी मंदी नहीं रही। रायड़े की बात करें, ऊपर में 3725 रुपये एक ढेर ऊपर में बिका, बढ़िया किराना माल 3700 रुपये से लगाकर 3725 रुपये तक बिका, बढ़िया माल जो है 3650 से 3700 रुपये तक बिका, एवरेज माल 3600 से 3650 बिका, आवक रही मात्र 400 बोरी की, बाजार रहा 25 रुपये तेज कल की मंदी से। तो बाजार में 25 रुपये की तेजी रही, आवकों के सीमित होने से बाजार में सुधार रहा। प्याज बढ़िया माल की आवक नहीं थी, एक डेढ़ ऊपर में 1800 बिका, मोटे माल के बाजार 1700 से 1900 तक के हैं, एवरेज मोटे माल 1400 से 1700 के हैं, गोल्टे माल 900 से 1300 रुपये तक के हैं और छोटे गोल्टी मिक्स माल 300 से 800 तक के हैं। बाजार लगभग 500 से 1400 रुपये तक की मंडियाँ बिक रही है, 700 बोरी आवक रही, बाजार को 100 रुपये कुछ नरम कह सकते हैं, बाकी ऐसा विशेष मद्दा नहीं है, एक्स्ट्रा माल भी नहीं था, इसलिए अपनों को ऐसा लग रहा है कि कुछ बाजार कम हो दिख रहा है। उड़द में बढ़िया मालों की आवक नहीं थी, 5500 रुपये ऊपर में बिका, बढ़िया माल 5200 रुपये से लगाकर 5500 रुपये तक बिका, मीडियम क्वालिटी वाला माल 4200 से 4600 रुपये तक बिका, एवरेज माल 3000 से 3800, जैसा माल वैसा दाम, आवके नहीं थी दोस्तों आज, हल्के माल 1500 से 2300, मात्र 50-60 बोरी की कुल आवक थी और बाजार लगभग समान था, कोई विशेष तेजी मंदी उड़द के अंदर देखने को नहीं मिली। तो आवके भी नहीं थी, तेजी मंदी भी नहीं बन सकती है और बढ़िया माल भी नहीं था, वैसे बढ़िया माल के भाव भी सिर्फ 55 तक है, 5500 रुपये एक ढेर बिका है ऊपर में 54 और एक ढेर 5400, तिल्ली एक ढेर 7685 बिका, बढ़िया की रंगत 8000 से 8500 जिसकी आवक नहीं, और मीडियम माल 7200 से 7685, एवरेज माल 5500 एक ढेर 5501 बिका, एक ढेर 7685, दो ढेर थे सिर्फ, 10 बोरी आवक थी, बाजार लगभग समान। तारा मीरा में बात करें, 3181 रुपये ऊपर में बिका, एक ढेर 3125 बिका और एक ढेर 3125 बिका, बढ़िया माल के तीन ढेर थे, एवरेज माल 3050 से 3075 बिका, नीचे में गीले माल 2550 से 2651 बिके, 60-70 बोरी आवक बनी, बाजार समान रहा। वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें। जय हिंद जय भारत।